आज है जन्माष्टमी और मेरी तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये है मेरे लड्डू गोपाल, तो आज मैं इनकी सेवा करूंगी, इनको स्नान कराऊंगी और श्रृंगार करूंगी। तो जो भी मेरे पास है बस उन्हीं चीज़ों से ही मैं श्रृंगार करूंगी, क्योंकि लड्डू गोपाल विशेष तामझाम को नहीं, आपके प्रेम और आपके भाव के भूखे हैं। तो उनको जितना प्रेम और भाव अर्पित करेंगे वह उतने ही आपके हो जाते हैं। तो बस देखिए, मेरे पास जो भी थोड़े बहुत जो भी श्रृंगार के सामान है बस उन्हीं से मैं इनका श्रृंगार करूंगी। और पहले मैं स्नान करवाऊंगी। तो स्नान कराने के लिए मैंने पांच चीज़ों से मैं इनको स्नान कराऊंगी, दूध, दही, शहद, चीनी, घी और जल से। इस तरह से मैंने पांचों चीज़ों से लड्डू गोपाल जी को नहला दिया है। अब मैं इन्हें साफ कपड़े से पोंछ दूंगी, फिर इन्हें इनका श्रृंगार करूंगी। तो और ये जो पंचामृत है ना, इसे मैं फेंकूंगी नहीं, ये प्रसाद के काम में आ जाएगा और सब लोग इस ये प्रसाद की तरह सब खाएंगे। तो स्नान कराने के बाद मैं इन्हें साफ कपड़े से पोंछ दे रही हूँ और पोंछने के बाद मैं इन्हें नए वस्त्र पहनाऊंगी। तो जब भी इनका जन्मदिन आता है, जन्माष्टमी, तब मैं इनके लिए नए वस्त्र ले आती हूँ। वैसे तो और भी वस्त्र हैं इनके पास, ठंडी का भी मैंने कपड़े रखे हैं। तो जैसे बच्चे अपने बच्चे होते हैं ना, उनके लिए हम लोग उनके जन्मदिन पे नए कपड़े लाते हैं, तो वैसे ही लड्डू गोपाल भी हैं, वो एक छोटे बालक ही हैं, तो उनके लिए भी उनके जन्मदिन पर नए कपड़े लाती हूँ। तो वैसे तो मैं घर पे भी कपड़े बना लेती हूँ इनका, लेकिन इस बार मैं मार्केट से लेके आई हूँ, तो ये कपड़ा बहुत ही सुंदर लग रहा था और पहनने के बाद तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं लड्डू गोपाल। तो देखिए, मैंने इन्हें वस्त्र पहना दिया, इन्हें मोतियों की माला लाए थे मैंने, तो वो भी पहना दे रही हूँ। तो माला पहनने के बाद अब इनके सर पे पहनानी है पगड़ी। तो देखिए, ये भी बहुत ही सुंदर लग रहा है ना। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ें जो लाई थी मैं पहना दी और लड्डू गोपाल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो देखिए, मेरे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है इनका कपड़ा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से मैंने इनका श्रृंगार किया है। तो जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। अब मैं इनका पूजा करूँगी। तो मैंने इनके लिए मैं देखिए छोटे छोटे बर्तन भी लाई थी, इनके में भी प्रसाद रखा जाएगा। इसके बाद मैंने इन्हें चंदन लगाया, फल फूल चढ़ाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि आपकी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही कोई और वीडियो के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय।